हाँ बच्चों, हमारा आज का व्याख्यान जो है संविधान और प्रशासनिक विधि दोनों के एक कॉमन टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि LLB और BA LLB दोनों में ही पढ़ाया जाता है और दोनों की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और संविधान का अत्यंत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कहिए वो है आपके उच्च और सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता। जैसा कि आप लोग बच्चों पढ़ते हैं संविधान, जो कि हमारे देश की सर्वोच्च विधि है, उसकी आर्टिकल 226 और 232 में रिट अधिकारिता के विषय में उल्लेख किया गया है। 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता है और 32 के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार शीर्षक है संविधान में किताब में, वो जो है सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता से सरोकार रखता है। मैं आपको बता दूँ कि आप लोग पढ़ते होंगे कि बिना उपचार के अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता, इसीलिए लैटिन मैक्सिम है यूबी जस ईबी रेमेडियम, इसको नोट डाउन करिएगा, यूबी जस ईबी रेमेडियम, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। तो देखिए यूबी जस, जस यहाँ शब्द है JUS, जस का मतलब होता है नॉट एनी राइट, राइट कई प्रकार के हो सकते हैं, टोटल राइट, मॉरल राइट, स्पिरिचुअल राइट, लेकिन हम यहाँ पे सरोकार रखते हैं लीगल राइट से, तो यहाँ जस शब्द का मतलब है लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल राइट? लीगल राइट इज ए लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, विधि द्वारा संरक्षित हित को ही विधिक अधिकार कहते हैं। फिर इसको एक्सप्लेन अगर आप और बढ़िया करिए, इट इज एन इंटरेस्ट फॉर विच रेमेडी इज बीइंग प्रोवाइडेड विद द पैरामीटर्स ऑफ लॉ। इस प्रकार एक विधिक अधिकार एक ऐसा हित है जिसके लिए विधि के अंतर्गत उपचारों की व्यवस्था होती है। तो बिना उपचारों के अधिकार का कोई महत्व नहीं होता, वो अधिकार पवित्र घोषणाएं मात्र हो जाएंगी, होकर रह जाएंगी। जैसे आप कहिए मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, लेकिन उसके लिए यदि रेमेडी ना हो तो अधिकार का क्या महत्व है? इसलिए विधि में जहाँ अधिकार प्रदान किया जाता है वहाँ उपचारों का भी व्यवस्था होती है। यदि किसी के अधिकार का वायलेशन होता है तो पीड़ित पक्षकार विधि के पैरामीटर में रेमेडी पाने का हकदार होता है। उसी तर्ज पर ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक चैप्टर इनकॉर्पोरेट किया गया है हमारे संविधान में। तो मतलब यही बात कहता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, यदि इनका उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्षकार सीधे राज्यों के उच्च न्यायालय, उस स्टेट के उच्च न्यायालय जिस यहाँ की वो जो है पीड़ित पक्षकार निवासी हो, या यदि पीड़ित पक्षकार चाहे तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय अप्रोच कर सकता है। एक नियम होता है रूल ऑफ अल्टरनेटिव रेमेडी, तो ऐसे मामलों में हमारे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यह कह करके पीड़ित पक्षकार को रेमेडी देने से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि अभी तो आपके पास और विकल्प हैं, सारे विकल्प झास्ट करके हमारे अदालत में आइए, क्योंकि आप जानते हैं कि उच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय अदालत है, यहाँ पे डायरेक्ट मैटर नहीं आता। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के संवैधानिक या मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वह पीड़ित पक्षकार सीधे उस उच्च न्यायालय जिसके कि क्षेत्राधिकार सीमा के अंतर्गत वो निवास करता हो, या यदि वो चाहे तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जो है अप्रोच कर सकता है। लेकिन नियम है यदि वो एक बार सर्वोच्च न्यायालय चला गया तो लौट करके उच्च न्यायालय नहीं आ पाएगा, क्योंकि जिसको अपेक्स कोर्ट सर्वोपरि अदालत मैटर को डिसाइड कर दे फिर उसको उच्च न्यायालय नहीं सुनेगा, ये नियम होता है। इसी को हमारे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता कहते हैं। ये बहुत ही व्यापक जुरिस्डिक्शन है, बहुत विस्तृत क्षेत्राधिकार है, बहुत वाइड जुरिस्डिक्शन है इस संदर्भ में हमारे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसमें मैं इसको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, ये जिनको रिट्स कहते हैं, डिफरेंट रिट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है संविधान का और प्रशासनिक विधि दोनों का। इसलिए इस हमारे व्याख्यान से न केवल हमारे LLB बल्कि BA LLB के भी बच्चे जो हैं बेनिफिटेड होंगे। तो ये जिनको हम रिटे कहते हैं, ये रिट्स कहाँ से आई, ब्रीफ में मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंग्लैंड से आई। ये रिटे 5 प्रकार की होती हैं, ये 5 काइंड्स ऑफ रिट्स।
ये 5 रेटें जो इंग्लैंड में थी उनको इनकॉर्पोरेट किया, क्योंकि हमारी विधिक पद्धति इंग्लैंड की बहुत बड़ी रीति है, ब्रिटिश कॉमनला की बहुत बड़ी ऋणी है, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम पहले से ही बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। तो तमाम अच्छी अच्छी बातों को हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में तरजीह दी। तो ये जो रिट अधिकारिता है इसको भी वहीं से इंग्लैंड से अडॉप्ट किया। तो ये रिटें 5 प्रकार की होती है बच्चों, इसको ध्यान से सुन लीजिए, ब्रीफ में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये 5 रिट्स हैं, पहली तो आपकी है हैवियस कार्पस, और दूसरी है मैंडामस, तीसरी है सर्सियोरोरी, चौथी है प्रोहिबिशन, और 5वीं है कोवारंटो। तो इसको मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। पहली रिट है आपकी हैवियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट कब जारी होती है? जब किसी व्यक्ति को बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के निरुद्ध किया जाता है। तो इस रिट का उद्देश्य क्या है? निरुद्ध किए गए व्यक्ति के निरोध के वैधता की जांच करना इसका उद्देश्य होता है, कि उसका निरोध डिटेंशन लॉफुल है कि नहीं। यदि डिटेंशन लॉफुल नहीं है, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन है, तो तत्काल प्रभाव से जो है न्यायालय ये हैबियस कॉर्पस की रिट जानने पर कंसर्न अथॉरिटी को ये जो है ऑर्डर देता है कि तत्काल प्रभाव से उसको मुक्त कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो निरुद्ध व्यक्ति किए गए व्यक्ति की ओर से उसके जो नाते रिश्तेदार निकट संबंधी हैं ये याचिका ला सकते हैं। अब पहले इंग्लैंड में इसका लिटरल मीनिंग था निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करो, लेकिन बाद में जब इंडियन सिस्टम में इसको अडॉप्ट किया गया तो इसका लिटरल मीनिंग छोड़ दिया गया। इसका हमारे न्यायालयों ने यह अर्थ निकाला कि निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस रिट का उद्देश्य तो केवल यही है निरुद्ध किए गए व्यक्ति के निरोध की वैधता की जांच करना, उसके लिए उस निरुद्ध किए गए व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करना जरूरी नहीं है। तो ये पहली रिट है, ये है आपकी हैबियस कॉर्पस जिसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रिट का उद्देश्य है निरुद्ध किए गए व्यक्ति के निरोध के वैधता की जांच करना, यदि उसका निरोध किया जाना वैध न रहा हो तो न्यायालय तत्काल प्रभाव से आदेश देता है कि निरुद्ध किए गए व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया जाए। ये तो मैंने आपको पहली रिट बता दी। दूसरी रिट है आपके मैंडामस। मैंडामस को हिंदी में कहते हैं परमादेश, हम आदेश देते हैं, इसका वाचवर्ण है हम आदेश देते हैं। यह रिट हमेशा लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। पहला सेंटेंस इसको नोट डाउन करिएगा, पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के विरुद्ध ये रिट जारी नहीं होती है। लोक सेवक कौन है या लोक प्राधिकारी कौन है जिस पर लोक सेवा का दायित्व आरोपित किया गया है, यदि वो अपने दायित्व का निर्वहन करने में चूक करे, लापरवाही बरते, जिससे किसी व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट वायलेट हो, तो पीड़ित व्यक्ति व कंसर्न पर्सन जो है मैंडामस की रिट दाखिल करेगा, और तब न्यायालय उसे आदेश देगा कंसर्न अथॉरिटी को, हम आदेश देते हैं कि उसको उसका हक प्रदान करो। जैसे एग्जाम्पल आप सुन लीजिए, समय कम रहता है। जैसे एक व्यक्ति ने शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत शस्त्र प्राप्त करने की सभी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर दिया तो कंसर्न अथॉरिटी का कर्तव्य हो जाता है कि उसे शस्त्र लाइसेंस प्रदान करे। यदि वो कंसर्न अथॉरिटी शस्त्र लाइसेंस नहीं प्रदान करता है तो वो पीड़ित पक्षकार मैंडामस के रिट के जरिए रेमेडी पाने का हकदार होगा। तीसरी रिट और चौथी रिट ये इंटरकनेक्टेड है, जिसको कहते हैं उत्प्रेषण और प्रतिषेध, सर्सियोरोरी एंड प्रोहिबिशन। ये दोनों ही न्यायिक रिटें हैं और न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध ही जारी होती हैं, हमेशा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय अधिकरण कब जारी होती है? जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अधिकरण किसी मामले में क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके कार्य करता है। दोनों ही न्यायिक रिटें हैं और हमेशा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण के विरुद्ध जारी होती हैं, लेकिन दोनों में आप अंतर समझ लीजिए, दोनों में स्टेज का डिफरेंस है। सर्सियोरोरी कब जारी होती है, प्रेषण कब जारी होती है, अब प्रतिषेध कब जारी होती है, इसको समझ लीजिए माइनर डिफरेंस है। जिसको प्रेषण या सर्सियोरोरी कहते हैं ये तब जारी होती है जब किसी मामले में अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके कार्यवाही कर देता है,
और मामले को फाइनली एडजुडिकेट कर देता है अपने लेवल पर, तब ऐसे मामले में सरसियोरारी की रिट जारी होती है, और सरसियोरारी की रिट जारी करके उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय तत्काल प्रभाव से उसको क्या कहते हैं फाइल को कंसर्न फाइल को अपने पास मंगा लेता है और उस त्रुटि को सुधार देता है और साथ में अधीनस्थ न्यायालय को आगाह कर देता है खबरदार अब आप तो गलती कर दिया लेकिन आगे और किसी मामले में ये गलती न करे। तो सरसियोरारी तब जारी होती है उत्प्रेषण जब अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके कार्रवाई कर देता है मामले को रिसाइड कर देता है, लेकिन प्रोहिबिशन के रेट जो है तब जारी होती है जब मैटर अभी पेंडिंग है, जब ये संज्ञान में ला दिया जाए उच्च न्यायालय के कि किसी कंसर्न मामले में अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके कार्रवाई कर रहा है, मैटर इज स्टिल पेंडिंग, तब ऐसे मामले में कौन सी रिट जारी होगी? प्रोहिबिशन, लिटरल मीनिंग समझिए, प्रोहिबिट कर देना। तत्काल प्रभाव से उच्च न्यायालय उसको अधीनस्थ न्यायालय को कहता है खबरदार अब तक तो कर दिया लेकिन आगे और कुछ नहीं, प्रोहिबिट कर देता उसी जगह, इसी को कहते हैं प्रोहिबिशन या प्रतिषेध की रिट। हम आपको बता दें इन दोनों के बीच इस माइन्यूट डिफरेंस को स्पष्ट किया है, एक केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट का हरि विष्णु कामत वर्सेज अहमद इसहाक का केस हुआ है, इसमें जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों की माइन्यूट डिफरेंस को स्पष्ट किया है, स्टेज का डिफरेंस है, सरसियोरारी कब जारी होगी, प्रोहिबिशन कब जारी होगी, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, बहुत ही माइन्यूट क्वेश्चन है, क्या दोनों रिटें साइमल्टेनियसली जारी हो सकती हैं, क्या उत्प्रेषण और प्रतिषेध की रिट एक साथ किसी मामले में जारी हो सकती है? तो आपका उत्तर होगा हाँ। क्यों? तब जब मामला पेंडिंग हो, जब मामला व्हेन द मैटर इज स्टिल पेंडिंग, पहले तो ऐसे मामले में उच्च न्यायालय जारी करेगा प्रतिषेध की रिट प्रोहिबिशन की, अब प्रोहिबिशन की रिट जारी करके उसको फर्दर कार्रवाई करने से रोक देगा, लेकिन जितनी कार्रवाइयां वो कर चुका है उसको नलीफाई करने के लिए फाइल को अपने पास मंगा लेगा, सरसियोरारी जारी कर देगा और उस गलती को सुधार देगा और आगे और फर्दर ऐसी गलती न करने के लिए वो जो है उस अधीनस्थ न्यायालय को आगाह कर देगा। ये हो गया आपका सरसियोरारी और प्रोहिबिशन उत्प्रेषण प्रतिषेध। एक अंतिम रेट बचती है जिसको कहते हैं को वारंटो। को वारंटो का मतलब है व्हाट इज योर अथॉरिटी, इसका वाचवर्ड है अधिकार पृच्छा कहते हैं इसको हिंदी में, को वारंटो का वाचवर्ड है व्हाट इज योर अथॉरिटी, अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग द एनोलोजस पोस्ट। भाई हमेशा लोक पद पर लोक सेवक की नियुक्ति होती है, और लोक सेवक लोक पद पर किसकी नियुक्ति होती है जो योग्य होता है उस पद के लिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के संज्ञान में ये बात आ जाए किसी लोक पद को कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से धारण किए हुए है, जिसको धारण करने का उसको विधि में कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? को वारंटो, अधिकार पृच्छा, ये रिट जारी करके उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कंसर्न अथॉरिटी से पूछेगा व्हाट इज योर अथॉरिटी, अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग द पोस्ट, होल्डिंग द सेट पोस्ट। यदि उसका वो संतोषजनक जस्टिफाइड आंसर नहीं दे पाता है तो तत्काल प्रभाव से उसको उस पद से न केवल हटना होगा और भी जो दंड जो है न्यायालय उसको समझेगा वो उसे प्रदान करेगा। ये हो गई आपकी सर्वोच्च उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता। यहाँ पे मैं एक लाइन में बता दूँ ये दोनों की अधिकारिता कंकरेंट है, अर्थात पीड़ित पक्षकार यदि चाहे तो उच्च न्यायालय में जाए जिसके क्षेत्राधिकार सीमा के तहत वो रहता है, या यदि पीड़ित पक्षकार चाहे तो इस संदर्भ में सीधे सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि दोनों के अधिकारिता इस संदर्भ में बराबर की है, या यूं कहिए उच्च न्यायालय की अधिकारिता कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से भी ज्यादा है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल संवैधानिक और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए ही जो है ये इस अधिकारिता का प्रयोग करता है, लेकिन उच्च न्यायालय को न केवल संवैधानिक और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए
बल्कि विधिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए भी जो है इस अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। अंत में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रशासनिक विधि के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे प्रशासनिक प्राधिकारियों को वैवेकिक शक्ति दी गई है प्रशासनिक विधि में, डिस्क्रिप्शनरी पावर। यदि वो अपने डिस्क्रिप्शनरी पावर का दुरुपयोग करे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है विवेकाधिकार का मतलब होता है जुडिशियल डिस्क्रिप्शन, नॉट आर्बिट्रेरी डिस्क्रिप्शन। यदि अपने डिस्क्रिप्शन का दुरुपयोग करते हुए कोई ऐसा कार्य करे जिससे जनसामान्य का कोई व्यक्ति जो है ग्रिप्ड होता हो, उसके अधिकारों का उल्लंघन होता हो, तब पर भी वो पीड़ित पक्षकार इस रिट याचिका के माध्यम से रेमेडी पाने का हकदार होगा। इस प्रकार ये रिट अधिकारिता का जो टॉपिक है न केवल हमारे BA LLB बल्कि LLB के विद्यार्थियों के लिए भी बराबर से जो है महत्वपूर्ण है। इस संक्षिप्त व्याख्यान को मैं इसी जगह